जोतन चिबाई अफारो, आज टाइम कम है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, सिर्फ दो या तीन पॉइंट्स में मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं। सबसे पहले मंच में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा श्री बिप्लब कुमार देव जी, यहाँ में हमारे एमएलए हैं विश्वजीत, एक्स एमएलए राजेश्वर देव वर्मा, एमडीसी गणेश देव वर्मा, स्टेट सेक्रेटरी विपिन देव वर्मा है, आईपीएफटी के लीडर्स हैं, सूरज देव वर्मा है, बहुत लोग हैं, हमारे सिंधु कन्या जमातिया है बुरी बदौल से, बुरी बदौल प्रेसिडेंट खुद है, वेस्ट जोन चेयरमैन, और जिन जिन को मैं नहीं जानता हूं उनको भी मैं स्वागत करता हूं। अर्जुन है यहां मेरे सामने, अथात मुनि है, हेलो अथात हाउ आर यू डूइंग, रमणी बाबू है, अपना बुमा बदल है, बुरी बदल है, आप सबको मैं आज लंबा बात नहीं करूंगा, ये वर्कर्स का मीट है, ये पब्लिक मीटिंग नहीं है। और मेरे बाद हमारे फॉर्मर सीएम भी दो तीन बात बोलेंगे। यहां में 99% आप लोग तिपरासा है, ये ध्यान रख के चलिए। जिस दिन मैं बोलूंगा कि सिर्फ तिपरा मौथा तिपरासा है, तब हम लोग 85% हो जाएंगे। जिस दिन सीपीएम बोलेंगे कि हम लोग ही तिपरासा, हम लोग सीपीएम पहले है, तिपरासा बाद में है, तो हम लोग 45% हो जाएंगे। और जनजाति मोर्चा ने भी यही बात बोल, मैं नंबर में नहीं जा रहा हूं, तो हम लोग सच में 25% 20% हो जाएंगे। तो आपका पावर कहां है? आपका पावर है जब थानसा रहता है, जब एकता रहता है। यहां में अभी मैं स्टेट सेक्रेटरी से बात कर रहा था, उनके फादर मधुदास थे, उनके फादर एमपी एमएलए थे कांग्रेस में, मेरी मां भी थी। आज क्या वो कांग्रेस में नहीं है, बीजेपी में है, तो क्या त्रिपुरा का कम भला चाहती? नहीं। तो मैं थानसा को क्यों बोल रहा हूं, यूनिटी को क्यों बोल रहा हूं? आपका कम्युनिटी, हमारा कम्युनिटी, बुगुमबारा का कम्युनिटी पार्टी से बड़ा होता है, हमारा देश पार्टी से बड़ा होता है, हमारा भूमि पार्टी से बड़ा होता है, हमारा अधिकार पार्टी से मिलता है या ना मिलता है, उसके लिए हमको एक होना पड़ता है। जो लोग, और आज मैं आपके हाथ से ताली नहीं सुनना चाहता, आई डोंट वॉन्ट योर, ताली नहीं चाहिए मुझे, आपका सोच चाहिए मुझे। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन मिला, अगर डेवलपमेंट मिला, अगर नौकरी मिला, अगर शिक्षा मिला, अगर जमीन का लैंड राइट्स मिला, तो क्या ये सिर्फ मौथा को मिलेगा, सिर्फ जनजाति मोर्चा को मिलेगा? ये सबको मिलेगा, ये सीपीएम के लोगों को भी मिलेगा, ये आईपीएफटी को मिलेगा, ये मौथा को मिलेगा, ये जनजाति मोर्चा को मिलेगा, जिसने वोट नहीं भी डाला, जिसने नोटा किया उसको भी मिलेगा।
तो मतलब ये किसको मिलेगा? पिपरासा। तो अगर हमको कुछ चाहिए, 75 साल से हम लोग अपने ही जमीन में आंदोलन कर रहे हैं, कभी लाल टोपी पहनकर, कभी दूसरे कांग्रेस का बात सुनकर, कभी मोथा का बात सुनकर, कभी बीजेपी की बात सुनकर, अगर हम लोग सब एक हो जाते हैं और एक आवाज में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह ने हमको आश्वासन दिया, प्राइवेटली नहीं दिया, कमरे के बंद कमरे के अंदर नहीं दिया, आपके सामने टीवी में बोला है कि हम चाहते हैं कि त्रिपुरा में जो ऐतिहासिक गलतियां हुई उसको आज को देखकर, स्थानीय लोगों को देखकर, भविष्य के लिए हम एक कदम नहीं दो कदम आगे जाएंगे। तो जब देश का गृह मंत्री हमको टीवी के सामने वो आश्वासन दे रहा है, राइटिंग में दे रहा है, तो उनका बात तो मानना चाहिए। अगर हम हर चीज में बोले नहीं हमें विश्वास नहीं है, हर चीज में हम बोले कि नहीं ये तो टिपरासा नहीं है तो ये कुछ गलत करेगा, तो नुकसान हमारा ही होगा। आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थिंकिंग, आज दोनों सीट में, एक सीट में मेरा बहन को, मेरा खुद का बहन को ईस्ट त्रिपुरा में दिया है, और वेस्ट त्रिपुरा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना सोच समझ से बोला कि हम बिप्लब देव को प्रार्थी बनाएंगे क्योंकि ये टिपरासा को भी प्यार करता है। इसके लिए देखिए बीजेपी बहुत बड़ा पार्टी है, किसी को भी दे सकता था, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दिमाग में है कि अगर त्रिपुरा में शांति लाना है, हार्मनी लाना है, उन्नति लाना है, तो एक ऐसे व्यक्ति को भेजे जो वेस्ट त्रिपुरा से भी अपने टिपरासा के बारे, उसके अंदर प्यार हो और भला करे। मेरे लिए ये एक ऐसा इंसान है जिसने सबसे पहले महाराजा वीर विक्रम का नाम को उठाया, आप त्रिपुरा का राजनीति देख लीजिए, मेरा पिताजी कांग्रेस में एमपी था, मेरे माताजी कांग्रेस में एमपी थी, मैं कांग्रेस में इतने साल, मैं 4 साल तक तो मैं यही में था, मैं शुभल भौमिक के लिए कैंपेन कर रहा था, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी महाराजा का नाम उठने नहीं दिया। क्या वजह थी? कहीं ना कहीं कुछ सीपीएम के संग अंडरस्टैंडिंग बन चुका था। मैं खुद जानता हूं 2008 का इलेक्शन, यहां मैं राजेश्वर के लिए कैंपेन करना मैं आया, वहां है राजेश्वर, 2013 मुझ जैसा पब्लिक का सपोर्ट मैंने देखा, मैं 100% मुझे लगा कि आईएनपीटी टाकरजला से जीतेगा, लेकिन जब काउंटिंग होता था तो हम लोग हार जाते थे। क्यों? आज पूरे इंडिया में ये इंडिया अलायंस बोल रहा है ईवीएम में घपला हो रहा है।